सरकार के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के विभिन्न जिलों के अधिकारियों के साथ की बैठक, सभी जिलों में बाढ़ की स्थिति की ली जानकारी। सावन को देखते हुए सभी मंदिरों की नगर निगम के द्वारा करवाया जा रहा है साफ सफाई, किया गया है पानी की व्यवस्था। न्यायालय में पेशी पर आए फरार हत्या आरोपी अभियुक्त को कैंट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने संभव दिवस के तहत निगम के सभागार में की जन सुनवाई, समस्याओं के निस्तारण के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। जनपद में तेजी से घट रहा है बाढ़ का पानी, केवल 7 गांव बाढ़ की चपेट में, आवश्यक सुविधाएं करवाई जा रही है उपलब्ध, जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने दी जानकारी।